रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र का लेटेस्ट डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप बर वक्त देख सकें। चले ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपना ट्राउज़र ऊपर से मुकम्मल तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह सारा ऊपर से आपने ये बेल्ट वगैरह और ये ऊपर से मुकम्मल तैयार करके नीचे से भी आपने इस तरह करके जितना मार्जिन आपने टर्न करना है वो टर्न भी कर लें। ठीक है, ये मैंने जितना मुझे ये इसकी टर्निंग करनी थी वो फुल मैंने तैयार कर लिया। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैं ये इस तरह इसी कलर का सेम कपड़ा ले लूंगी जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। ठीक है, ये देखें चौड़ाई 1 इंच है और जो लंबाई है वो आपके पास जितना भी कपड़ा है आप जितनी लंबी स्ट्रिप ले सकते हैं वो आप पे है। मतलब जितनी लंबी लेंगे उतनी आपको कम पट्टियां बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अब इस तरह डबल करके मैं इस पे इस तरह करके सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, ये जो मशीन का एक पाँव जिसे बोलते हैं, ऐसे करके ये एक पूरी सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। ठीक है, अभी इसे मैं सीधा कर लूंगी और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में मैंने स्ट्रिप बनाना उरेबी पट्टी से भी और सीधी, ये मैं सीधी पट्टियां ली हैं। ठीक है, और इसको भी हम उसी तरह नेडल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके मैं इन्हें प्रेस कर लूंगी। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप को सीधा कर लिया है और जो सिलाई वाली साइड है वो देखे इस तरह करके मैंने नीचे की तरफ ली है ऐसे। ठीक है, और आप भी इसी तरह ये स्ट्रिप्स जो है 3 आप इस तरह की स्ट्रिप्स बना लें। ठीक है, और मैंने ये 3 स्ट्रिप्स बना ली हैं और इन्हें प्रेस इसी तरह कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने एक न्यूज़पेपर लेना है या कोई पेपर, सिंपल पेपर ले लें और फिर उस पर मैं आपको आगे डिजाइनिंग बताती हूँ। ये मैंने एक कॉपी का पेपर ले लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो मेरे 5 जितनी है। ठीक है, उससे बल्कि 1 इंच आप बढ़ा के ही रखें क्योंकि ये ऊपर डिजाइनिंग होनी है। और ये मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ली है, 2.5 इंच। ठीक है, इसकी चौड़ाई है। अब इस पर हम ये देखें, ये मैं यहाँ से शुरू करूँगी और 1-1 इंच के फासले पे मैं निशान लगाती जाऊँगी दोनों तरफ। देखें पूरा 1 इंच पे ये एक लाइन छोड़ के 1 इंच बन रहा है। ठीक है, ये इंच के 1-1 इंच के फासले पे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी इस तरह निशान लगा लूंगी 1-1 इंच के फासले पे। ये एक लाइन छोड़ के एक लाइन मैं ले रही हूँ क्योंकि ये 1/2 इंच की लाइन है, तो ये इस तरह एक लाइन छोड़ के एक पे लगा रही हूँ तो ये 1-1 इंच का फासला आ रहा है दोनों तरफ से। तो ये मैं इस तरह लाइन सब निशान लगा लूंगी। ये स्ट्रिप्स मैंने तैयार कर ली हैं और इनकी ये देखें सिलाई वाली साइड मैंने नीचे की तरफ टर्न गई है प्रेस करते हुए। और अब ये देखें, ये पेपर मैं रख रही हूँ, ये इस पहले 1-1 इंच का फासला है जो पहले पॉइंट से ये मैं क्रॉस बनाऊंगी इधर से तीसरे पे। ठीक है, तो इधर सबसे पहले मैं इधर जो है ये ऐसे करके क्रॉस के लिए ऐसे, ठीक है, ये सिलाई लगाऊंगी और इसकी स्ट्रिप की कटिंग साथ साथ हम ऐसे करके करते रहेंगे। ये पहली इधर से पहले पॉइंट पे और इधर 3 पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे क्रॉस। और अब ये अगला पॉइंट है, इस पे हम इस तरह सीधा ही रखेंगे। और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कटिंग करेंगे और उसके बाद ये तीसरे पे हम अब इधर को क्रॉस बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये जरा गौर से थोड़ा सा देखेंगे तो आपको करना बहुत इजी हो जाएगा ऐसे। और इधर से ये मैं ये कटिंग करूंगी जब फिर इस तरफ टर्न करके। और अब ये जो है इधर अगला क्रॉस शुरू होगा, अब इसको हम इस तरह
ऐसे सिलाई लगाई और ये तीसरे क्रॉस पे। पहले हमने क्रॉस वाली पट्टी लगाई, अब ये बीच में सीधी वाली लगाऊंगी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये मैंने कटिंग अब इधर क्रॉस वाली लगाऊंगी। अब ये यहां से ऐसे, अब इधर से फिर नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाएगा क्रॉस। इसको हम बिल्कुल साथ से ही शुरू करेंगे और ऐसे कटिंग। अब फिर सेंटर से फिर ये क्रॉस, अब इस साइड से हम सिलाई लगाएंगे इसी तरह, ये फर्स्ट पॉइंट पे, फिर इसको टू पे और इसको थ्री पे, इसी तरह ये सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें, ये हमारे क्रॉस बनते जा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस भी और सेंटर की स्ट्रिप भी उसी तरह लगती जा रही है। ये एक ही सिलाई में जो है हम दोनों साइड एक ही साइड से इस तरह कवर हो जाएगा तीनों स्ट्रिप्स को। ये अब हमारे ये सारे, ये देखें इस तरह ये क्रॉस तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ एक एक बीड्स लगाऊंगी, ठीक है। वो भी हम इसी तरह मैं आपको साथ साथ लगाती हूँ और दिखाती हूँ। ये मैं बीड्स लगाऊंगी। बीड्स लगाने से पहले हमने ये एक स्ट्रिप जो है इस माप की छोड़ी हुई है, इसको हम सेंटर में इस तरह करके ये बीड्स लगाने से पहले हम ऐसे डालेंगे एक क्रॉस से नीचे और एक नेक्स्ट क्रॉस के ऊपर से गुजरेगी, ठीक है। ये अब इस क्रॉस से मैं नीचे ले रही हूँ और इसके ऊपर से और फिर इसके नीचे से इस तरह और इसी तरह इसके ऊपर से और फिर नेक्स्ट के नीचे से। ये अब एक के नीचे से और एक के ऊपर से इस तरह करके ये मैंने सारी पिरो दी है स्ट्रिप को, ठीक है। और ये बिल्कुल सेंटर से यहां से हम इस तरह बिल्कुल सेंटर में रख के एक इस पे सिलाई लगाएंगे और इधर से दूसरी साइड से भी इस तरह यहां से ये थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस साइड से भी मैं ये सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, अब मैं नीडल में ये डबल धागा डाल लिए, ठीक है। और अब यहां से मैं बीड्स लगाना स्टार्ट करूंगी। ये एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे और अब ये देखें, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये जहाँ ऐसे करके हमने सेंटर बिल्कुल लेना है और सारी स्ट्रिप्स को सेंटर में इस तरह। अब ये यहाँ से मैं छोटा सा एक टर्न कर लूँगी और इसमें से ये सुराख में से गुजार के तो यहाँ बीट लगाऊंगी। ये देखें, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ठीक
ये 2-3 दफा आप गुजार लें ताकि ये यहाँ ये पक्का भी हो जाएगा अच्छी तरह ये फूल सा। ठीक है, अब यहाँ से ये गिरा लगा दें और ये कैंची से कट कर लें। अब ये इसी तरह ये सारी मैं यहाँ बीड्स लगा लूँगी सबके उस पर सेंटर में। ये मैंने बीड्स लगा ली हैं। ठीक है, अब ये पेपर को हम रिमूव कर देंगे। मैं इस तरह करके ये सब पेपर उतार दूंगी। ये पेपर सिर्फ हमने इसलिए लगाए थे ताकि इजीली हम सिलाई कर सकें। ठीक है, और ये अब सारा पेपर मैं रिमूव कर दूंगी। ये इस तरह करके आपने साइडों से भी और ये सारा ये देखें। ये देखें, ये मुकम्मल पेपर को मैंने उतार दिया है। अब ये मैं टिश्यू की इसी इतने ही साइज की इतनी ही चौड़ाई की मैं पट्टी ले ली है। अब इसके ऊपर ये देखें, ये इस तरह करके मैं साइडों पे सिलाई लगाऊंगी। अब ऐसे करके ये देखें, ये देखें इस पे टिश्यू पेपर पे मैंने इस डिजाइन को सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब इसको ये ट्राउजर को हम यहां से ये देखें, अब 1 इंच के जो हमने टर्न किया था पांचा, ठीक है, ये देखें, अब इससे 1 इंच ऊपर से हम ये कटिंग करेंगे, ये तुरपाई से 1 इंच ऊपर से। ये मैंने कटिंग की है, अब इसमें बीच में इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इधर भी सिलाई लगाएंगे और इधर भी सिलाई लगाएंगे और साथ में आपको दिखाती हूँ। अब ये जिस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाई हुई है पहले उसी पे ही हमने ये सिलाई लगाई है। ये देखें, ये जो हमने बढ़ा के रखा है 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, क्योंकि ये ऊपर से चौड़ा होता है पांचा, नीचे से इसकी चौड़ाई कम होती है। अब ये देखें, ये जो हमारी ट्राउजर की सिलाई है, इस पांचे की सिलाई को और ट्राउजर की सिलाई को बिल्कुल हमने बराबर रखना है। ठीक है, बराबर रखते हुए हम ऐसे ही यहाँ, बेशक आप पिन लगा लें, मैं ऐसे हाथ रख के और यहां से सिलाई लगाना शुरू करूंगी। ठीक है, ये जितना हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ये ऊपर की तरफ निकालेंगे और इतना ही हमारा दूसरी साइड पे भी मार्जिन निकलेगा। अब ये देखें, ये हम एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखा है ताकि इसकी इस तरह शेप कट जाएगी। ठीक है, और दोनों तरफ से वो फिर नीट भी हो जाएगा। अब ये मेरे पांचे का डिजाइन मुकम्मल हो गया, तो अब इसकी मुकम्मल सिलाई लगाकर और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।